हेलो दोस्तों, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में आप लोग अपने थंबनेल लगा सकते हैं। आप लोग मन चाहा अपने वीडियो में थंबनेल लगा सकते हैं। आज आपको हम दो तरीके बताएंगे जो दोनों तरीके से आप लोग अपने शॉर्ट वीडियो में थंबनेल जो कि लगा सकते हैं। तो वीडियो को इंटेक देखते रहिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कोई एक शॉर्ट वीडियो चलिए शूट कर लेंगे। चलिए हम कैमरा को ऑन कर लेंगे। कैमरा ऑन करने के बाद चलिए हम वीडियो आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ कैमरा से शूट कर लेंगे शॉर्ट वीडियो। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? यूट्यूब से पैसा आप लोग अर्न कर सकते हैं। चलिए हमने इतना शूट कर दिया है। शूट करने के बाद इसको हम डन पे क्लिक कर देंगे, बैक आ जाएंगे। यहाँ से बैक आ गए। चलिए अब हम लोग अपने यूट्यूब में चलेंगे। यहाँ पर हम लोग यूट्यूब में चलेंगे, यूट्यूब ऐप को हम लोग ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको देख करना क्या होगा, यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट शॉर्ट वाला ऑप्शन को चूज कीजिए या आप अपलोड वीडियो वाला ऑप्शन को चूज कीजिए। अगर आपका वीडियो 30 सेकंड के या 60 सेकंड के अंडर आता है तो अगर आप पोर्ट्रेट में वीडियो को एडिट किए होंगे या पोर्ट्रेट में वीडियो को शूट किए होंगे तो ऑटोमेटिक शॉर्ट वीडियो में जो भी चला जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पर अपलोड वीडियो को ऑप्शन को चूज करेंगे या आप क्रिएट शॉर्ट वाला ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने वीडियो शूट किया हुआ है उस वीडियो को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर चलिए हम वॉल्यूम को यहाँ पर हम भाई लोगों को म्यूट कर दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने क्या वीडियो में बोला है कि आप लोग यूट्यूब से पैसा अर्न कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग लिखेंगे यूट्यूब अर्न मनी। यहाँ पर मनी कम दे दिए, इसको आप लोग ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे इसको कर दीजिएगा। चलिए इसको हम इतना कर देंगे और यहाँ पर डाउन पे क्लिक कर देंगे। इसको आप यहाँ पर डाउन में लगा सकते हैं या अप में भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर और आपको लिखना होगा, यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम लोग लिखेंगे अर्निंग टिप्स। यहाँ पर हम लिखेंगे अर्निंग टिप्स, यहाँ पर हो गया है। चलिए हम इसको अप में करेंगे, इसको थोड़ा सा हम छोटा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग देखिए, अगर आप टेक्स्ट को ऐड भी कर दिए, अगर आप इसे एडिट करना चाह रहे हैं तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए आपको एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से ऐसे आप लोग छोटा इसे कर सकते हैं। ये सॉरी, इसको ऐसे आप लोग अपने मन चाह जितना आपको चाल लग रहा है, कितना टेक्स्ट को चाहिए हम बड़ा छोटा आप लोग कर लीजिएगा। डन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये हो गया। अब इसको हम लोग टाइमलाइन का बात करने वाले, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइमिंग लिखा हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो जो ये हमारे जो दोनों हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है किस टाइम पर हमें दोनों ये जो टेक्स्ट आना चाहिए, चलिए हम यहाँ पर मिड में चूज कर लेंगे क्योंकि हम मिड में से हम थंबनेल लगाने वाले हैं। इसको ऐसे ऐसे मान लीजिए हम इसको दोनों को यहाँ पर कर देंगे, पहले हम डन कर देंगे, हो गया। चलिए हम डन पे क्लिक कर देंगे। चलिए हमने अगर आपको म्यूजिक ऐड करना हो तो आप म्यूजिक ऐड कर लीजिएगा अपने शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अप में यहाँ पर पेंसिल टाइप का कलम टाइप के यहाँ पर ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको देखेंगे प्रोसेसिंग जो कि ले रहा है, तो आपको जहाँ का लग रहा है कि यहाँ का पार्ट एकदम बेस्ट है तो उसको आप लोग थंबनेल में लगा सकते हैं। जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, चलिए देखिए हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये हमें पार्ट और भी झकास लगा हुआ है। चलिए हम इसे हम लोग डाउन पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा यही पार्ट जो थंबनेल में जो कि लग गया। हम वीडियो को अपने चलिए अपलोड करेंगे। यहाँ से आपको हम अपलोड करके लाइव देखिए डेमो दिखा रहे हैं कि आप लोग, यह हमारा फर्स्ट तरीका है कि आप लोग ऐसे कर आप लोग यूट्यूब शॉर्ट में थंबनेल लगा सकते हैं। ऐसे लगाने से क्या होगा कि आपका मन चाहा शॉर्ट में थंबनेल जो कि लग गया, पहले आपको क्या करते थे शॉर्ट वीडियो अपलोड करते थे और उसमें से जहां से यूट्यूब का मन वहां सेलेक्ट कर लेता था। अब आपको मौका मिल रहा है कि आप लोग सेलेक्ट कर आप लोग मनपसंद अपना थंबनेल जो कि लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपलोड वाला आइकन पर क्लिक कर अपलोड कर लेंगे। वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वाइट स्टूडियो को ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमने वहाँ पर वीडियो अपलोड करते समय जो थंबनेल यूज किया था वही थंबनेल यहाँ पर जो शो जो कर रहा है। चलिए हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे आप लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो यहाँ पर कवर फोटो दिया रहता है आप लोग देख सकते हैं, जो हमने अपलोड करते समय थंबनेल यूज किया था जो लगाया था वही थंबनेल शो जो कर रहा है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग पहला आप लोग मेटर से आप लोग थंबनेल लगा सकते हैं। दूसरा मेटर ये है कि जब आप वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप लोग कई लोग हैं कि लाइव वीडियो अपलोड करते हैं जैसे हमने अभी किया, कई लोग ऐसे करते हैं कि वीडियो अपना पहले एडिट कर लेते हैं, एडिट करने के बाद उसको अपलोड करते हैं। तो जो आपका लग रहा है उसमें जो वीडियो आप एडिट करते समय जो आपका लग रहा है कि यह पार्ट हमें बेस्ट है, ये हमें थंबनेल में लगाना चाहिए, तो उस पार्ट को आप लोग वहाँ पर और भी बेटर तरीके से आप लोग एडिट कर दीजिए और भी वहाँ पर टेक्स्ट लिख दीजिए, जो भी करना है वहाँ पर आपको चाक चूम चुकी कर दीजिए। करने के बाद आपको करना क्या होगा, वहाँ पर अपलोड पे जाना होगा। अपलोड करने के बाद वहाँ पर कॉलर बटन पे क्लिक करना होगा और उस वीडियो को पार्ट में से उसे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा।
वीडियो का आपका पार्ट 60 सेकंड तक ही आप लोग शॉर्ट बना सकते हैं। 60 सेकंड के अंदर जो वहाँ पर आपको लगा 30 सेकंड पर आपको वीडियो लगा बेस्ट है तो वहाँ पर आपको लाना होगा और उस पार्ट को आप लोग सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड वीडियो आपको अपलोड कर लेना होगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप लोग कैप्शन लिख देना होगा। यहाँ पर कैप्शन आप लोग लिख दीजिएगा और यहाँ पर सेलेक्ट ऑडियंस जरूर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग कैप्शन लिखने के बाद यहाँ पर सेव वाला आइकन पे क्लिक कर दीजिए एंड वीडियो को आप लोग पब्लिक कर दीजिएगा तो आपका शॉर्ट वीडियो पब्लिक जो कि हो जाएगा एंड काफी लोगों के पास जाएगा तो एंगेजमेंट आपका बढ़ने वाला है अब शॉर्ट में।